हेलो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं क्रिएटिव कुमार्स आज आपके लिए क्या लेकर आया है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस और मेरे चैनल अच्छे लग रहे हो तो प्लीज मेरे चैनल को ये देखिए, नीचे में एक रेड कलर की बटन है, उसको प्रेस करके सब्सक्राइब करें। और अगर आप उसे सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ आएगा और उसके बगल में एक बेल का आइकन है, ये देखिए ये बेल का आइकन, आप इसे प्रेस करेंगे तो मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि संक्रांति स्पेशल मुरमुरे लड्डू या लाई हम कैसे बनाने वाले हैं। संक्रांति में हम ऑब्वियसली गुड़ की चीज़ें बनाते हैं और ये पूरे इंडिया में ये त्यौहार बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है। हमारे साइड में इस मुरमुरे के लड्डू को लाई बोलते हैं और बच्चों से लेके बड़े ये सब बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। मुझे भी ये ज़्यादा बहुत ही पसंद है। और फटाफट चलिए हम देखते हैं इसे हम कैसे बनाएंगे। ये बहुत ही इजी रेसिपी है। गुड़ का यूज़ जाड़े में हम ज़रूर करते हैं, ठंड के मौसम में गुड़ खाना बहुत ही अच्छा होता है और संक्रांति हमारा एक स्पेशल त्यौहार है, तो क्यों ना हम संक्रांति का दिन सेलिब्रेट करें घर पर ही बने इस लाई के साथ। इसके लिए मैंने मुड़ी लिया है, इसे मुरमुरे भी बोल सकते हैं। ये मैंने 200 ग्राम्स लिए हैं, ये एक बड़ी पैक मैंने ली है। और साथ में मैंने ये गुड़ लिया है। गुड़ ये नॉर्मल गुड़ नहीं है जो हम पूरे ईयर यूज़ करते हैं, ये एक स्पेशल काइंड ऑफ गुड़ आता है जो आपको ठंड के मौसम में मिल जाएगा। अगर आप शॉप में जाएंगे तो आप बोल सकते हैं चिक्की वाली गुड़, जो चिक्की बनाने के लिए यूज़ होती है, और या फिर लाई बनाने के लिए जो गुड़ यूज़ होती है आप वो बोल सकते हैं। और ये एक कप वाटर, ये मैंने थोड़ी सौंफ ली है, ये फ्लेवर के लिए आप इसमें डाल सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है। जिसको इसकी फ्लेवर नहीं पसंद है आप इग्नोर भी कर सकते हैं, पर अगर आप डालेंगे तो बहुत ही अच्छा खुशबू और बहुत ही अच्छी फ्लेवर आएगी। ये देखिए, सबसे पहले मैं पैन में विदाउट ऑयल इसमें सौंफ को थोड़ा रोस्ट कर लेती हूँ ताकि ये थोड़ा क्रिस्पी हो जाए। और फिर हम इसे खल में निकाल लेंगे और अच्छे से कूट लेंगे। बहुत भी ज़्यादा हमें नहीं कूटना है। आप चाहे तो इसे रॉ भी डाल सकते हैं, जैसे थी वैसे ही डाल दीजिए, लेकिन मैं कूट के यूज़ करती हूँ। फिर से हम कढ़ाई गर्म करेंगे और उसमें एक कप पानी डाल देते हैं। पानी को थोड़ा हीट होने देंगे और जब पानी अच्छे से हीट हो जाए हम उसमें धीरे धीरे करके गुड़ ऐड कर देंगे। गुड़ ऐड करने के बाद जो घर में खुशबू आती है उस समय से ही हमें खाने का मन हो जाता है ये लाई। बच्चे तो मेरे पीछे ही पड़ जाते हैं, मम्मा कब बनने वाला है। तो चलिए आप भी अपने घर में ज़रूर बनाइए। ये देखिए कैसे मैंने वाटर में गुड़ को ऐड कर दिया है और धीरे धीरे हम इसे चलाते रहेंगे। धीरे धीरे ये फेन आना शुरू हो जाएगा। चलाते चलाते हमें गुड़ को ऐसे ब्रेक भी करते जाना है कि वो अच्छे से मेल्ट हो जाए पानी में, गल जाए पूरी तरह से। ये देखिए कितना फेन आ रहा है ऊपर। हमें बीच बीच में गुड़ की कंसिस्टेंसी चेक करती रहनी है कि वो कितना थिक हो रहा है। ये अभी इतना भी थिक नहीं हुआ है, देखिए पानी की जैसे नीचे गिर जा रहा है। अभी हमें इसे और पकाना होगा। अब ये देखिए थोड़ी देर बाद पूरी गुड़ गल चुकी है और इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल थिक हो चुकी है। अब इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना, इतना भी नहीं पकाना कि ये तार के जैसे बन जाए, तार की तरह गुड़ दिखने लगे लसलसा। बस हमें इतना ही थिक रखना है और हमें इसमें ये मुड़ी को ऐड कर देना है। कुछ भी नहीं, आराम से आप इसे मिक्स करिए। गैस को मैं कम आंच पे रखी हूँ, बिल्कुल ही धीमी आंच पे, वो भी 1 मिनट के लिए, और फिर तुरंत ही हम उसे बंद कर देंगे। ऑलरेडी कढ़ाई हमारी हीट है। अगर हम ज़्यादा देर गैस ऑन रखेंगे मुरमुरे डालने के बाद
तो वो मुरमुरे जलने लगेगा और कलर में वो ब्लैक होने लगेगा। इसीलिए आप इमीडिएटली हाफ मिनट के बाद ही गैस को बंद कर दीजिए मुरमुरे ऐड करने के बाद। अब हम इसमें थोड़ी सौंफ भी ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पूरी चीजों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। अब कम से कम एक मिनट इसे छोड़ दीजिए, तब आप थोड़ी सी पानी हाथ में लगाइए या थोड़ा सा तेल भी आप लगा सकते हैं और फिर धीरे धीरे करके इस गुड़ और मुरमुरे के छोटे छोटे गोल लाई में बांधना शुरू कर दीजिए। ये देखिए मैं इसे कैसे शेप दे रही हूँ। आप जैसे ही इसे गैस से उतारेंगे इमीडिएटली बांधना मत शुरू कीजिए, एटलीस्ट एक मिनट के लिए उसको छोड़िए। तब तक आप ये पानी और सारी चीज़ें रेडी कीजिए। अगर आपकी इच्छा हो आप तेल भी लगा सकते हैं। मैं वाटर के साथ इसे बनाती हूँ। और अगर बनाते बनाते ये अगर हार्ड होने लगे ये मिक्सचर, तो आप वापस से कढ़ाई को फिर से थोड़ा सा गर्म कर लीजिए और देखिए ये कितनी आराम से फिर से ठीक होने लगा है। एंड में जब आपकी जो थोड़ी सी मुरमुरे रह जाती है वो ऑब्वियसली हार्ड हो जाती है और उसे हम शेप नहीं दे पाते, तो आप फिर से कढ़ाई को गर्म करिए। थोड़ा सा ही आप हीट करेंगे ये कढ़ाई को छोड़ने लगेगा बिल्कुल, और ये देखिए ये फिर से फ्री हो जाएगा और लड्डू आप फिर से इसकी बना सकते हैं। लड्डू बोलिए, लाई बोलिए। और ये देखिए मैं फिर से रेडी कर रही हूँ, फिर से बनाना शुरू कर दिया मैंने, ईजिली बन रहा है। और ये देखिए ये हमारा मुरमुरे लड्डू बनके रेडी है। ये बहुत ही टेस्टी दिख रहा है। जितना टेस्टी ये दिख रहा है उतना ही टेस्टी खाने में भी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, बच्चों का तो ये फेवरेट हो जाएगा आई नो। आप इसे भी खाएंगे और ज़रूर एक बार मुझे याद करेंगे। मे बी ये रेसिपी बहुत ही कॉमन हो पर मैं शेयर कर रही हूँ, मे बी ये किसी के लिए कॉमन ना हो और उनके काम आ जाए इस संक्रांति। तो धन्यवाद मेरे वीडियो को वॉच